होती है और चारों की शादी हो गई। एक की शादी रोहतक में हो गई, दूसरी की शादी पंजाब में हो गई, तीसरी की शादी जयपुर में हो गई और चौथी की शादी मथुरा डिस्ट्रिक्ट में होगी। वो मैं थी क्योंकि मेरी शादी मथुरा में ही हुई है। तो चारों सहेली एक दिन दिल्ली मिल जाती है स्टेशन पर, और जब चार औरत इकट्ठी हो जाती है तो नो समझो चुगली कर रही है, चाहे अपने घर वाले की, चाहे ससुर की, चाहे सास की। एक दूसरे के बालम के बारे में पूछती है तो अपनी अपनी भाषा में वे चारों अपने बालम के बारे में क्यों कर बताती है। क्या बताया? हेरा चार जगह की चार सहेली, अपने अपने बालम का चारो हाल सुनावण लागी, जिक्र चलावण लागी। चार जगह की चार सहेली, चार जगह की चार सहेली, नौ बतलावण लागी। अपने बालम का चारो हाल सुनावण लागी, जिक्र चलावण लागी। शादी हुई थी टिकल गांव में, और किस तरह से अपने पति के बारे में, और जो उस औरत का पति था वो पता कौन था? यू था, वो लड़की थी दिल्ली की, लेकिन शादी हुई थी टिकल में, और देख लो दिल्ली वाली बिल्ली ने क्या हाल बना दिया। न्यू हो रहा है बेचारा पर इसकी भी हिम्मत है जो दिल्ली वाली को झेल गया। किस तरह से वो टिकल गांव में भी आई थी जो अपने पति के बारे में केक लगी। हाँ। हरियाणा की बोली में बयाना ये भरतार मेरा, पिया बिना फिक्का पड़ गया लाड़ चाव प्यार मेरा, बोलना बतलाना फिक्का पड़ गया हर श्रृंगार मेरा, बोलना बतलाना फिक्का पड़ गया हर श्रृंगार मेरा, बोलना बतलाना फिक्का पड़ गया हर श्रृंगार मेरा। शादी कर दी पार बसाई ना मेरी है, रंज फिकर में, रंज फिकर में, रंज फिकर में काया झड़की फूक बना दी डेरी है, रंज फिकर में काया झड़की फूक बना दी डेरी है, रंज फिकर में काया झड़की फूक बना दी डेरी है। देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणबीर जी माटला, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पप्पू दरोगा जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गोपी प्रधान जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय गांधी मैनेजर जी, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा है जिसकी शादी पंजाब की तरफ हुई हो? है कोई यहाँ पे ऐसा? इसकी तो अभी हुई ना है, जिस दिन इसकी शादी हो जाएगी इतने दांत ना निकलेंगे इसके, नू बैठ जाएगा। ब्याह ते पहले ही मौज ले लो, नहीं तो ब्याह नहीं, ब्याह होने के बाद तो फिर तो एक मिनट में फोन आ लेने को, राग नहीं सुन रहा था मैं बताऊंगी तुझे। ब्याह होने के
बात, अच्छा एक बात तो देखिए, हेलो, तुम्हारे ब्याह नहीं हुए जब तो तुम आगे बैठ के प्रोग्राम देख रहे हो। जिस दिन ब्याह हो गया ना उस दिन पीछे बैठक रहोगे बुजुर्गों की तरह। हाँ जी, क्योंकि घर जाते ही क्लास लग जाएगी। जैन जैन ब्याह है जी, पंजाब, पंजाब तमिलनाडु में आया हो। अच्छा कोई है यहाँ पे जिसकी शादी पंजाब की तरफ हुई हो? अच्छा कौन से गांव में हुई है, कौन से शहर में हुई है? पंजाब में, दमदमा। हमारे बबलू साउंड की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद। जब पंजाब में भी आई थी वो अपने बालम के बारे में, वैसे पंजाबी भाषा थोड़ी बहुत तो समझ लेते होंगे, कुछ भी ना बस तुसी उसी है। किस तरह से पंजाबी भाषा में क्या कहने लगी? अठो पहर फिरता रहंदा हाथा विच तलवार नु। अंडा ते शराब पीवे मारी कुट्टी सब नु, थानेदार पुलिस वाले की मानता ना दब नु। वो मेरे नाल बोल दाना ऐसा लाया रब नु। मजबूत टिकाऊ चीज होती है, हैं? जोर जयपुर वाली थी। अच्छा पंजाब की भाषा समझ में आई? फिर ताली बजाओ, मैं तुम्हें कई कई भाषा सुना रही हूं। जो पंजाब की थी वो अपनी भाषा में अपने बालम के बारे में, जो राजस्थान की थी ना वो राजेंद्र जी के भी आई थी। और किस तरह से राजेंद्र जी के बारे में क्या कहती है, क्या बताया? और आदरणीय, आपकी तो नजर बड़ी कटीली है। नैने कटोरे काजल डोरे, मैं तो तन मन हारे, ओ तेरे रूप का जादू छोरे उस छोरू में मार गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तू क्या चाहे, दांत टूट रहे बीच में से, जीपीए से खेल रही है जैसे रजाई में बालक खेल रहा हो। 5 रुपए लाया, पत्थर लगवा दू तेरे नाम का? ला, ये भी किसी और के लाया होगा। न्यू ना हो जाती आना नू कह बेबे 5 रुपए वापस दे दे किराए के चाहिए। क्या कहला की राजस्थानी वाली।
सचम साज सचम साज सचम साज कहो सो जी जी आदत को भी खोटो छे ये सचम साज कहो जी 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 आदत करो खोटो छे ये सचम साज कहो जी 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 आदत करो खोटो छे दो तीन दिन के आगे पाछे अब्बा घर ने जावांगी ऊंची नीची के अपनी मायण ने समझावांगी इब के जाए राजेंद्र जी न्यू कह रही है इब के जाए पाछे जी जी मुड़ के कोने आवांगी क्योंकि आप बहुत रागनी प्रोग्राम देखते हैं उसको पता चल गया उन सारो धन सट्टे में ला दियो देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पप्पू द्रोगा जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोपी प्रधान जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय गांधी मैनेजर जी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद ला खुश पूरा जहरी है हां कम से कम 10 साल उम्र बढ़ेगी इसकी पर जब ये उम्र है बता दियो इसके काज में जरूर आऊंगी मैं इसके काज का प्रोग्राम जरूर करेंगे और तू कहते तेरे जीते जी कई काज कर दे आजकल परंपरा चली हुई है भाई पीछे कौन देखेगा कि इसका काज हुआ था या नहीं आगे कर दो कम से कम देख के तो मरेगा जो मथुरा वाली थी अच्छा यहाँ पे है कोई ऐसा जो मथुरा में भी आया हो वैसे मैं भी आई हूँ मथुरा में अरे इसकी शादी ना हुई अभी चेहरे से ही पता चल जाता है मथुरा में मैं भी आई हूँ मेरी शादी हुई है मथुरा में लेकिन जो मथुरा की भाषा है ना बहुत ही अजीब है यहाँ हरियाणा के अंदर अगर दो औरतों में लड़ाई होगी तो गाली का उपयोग प्रयोग करेगी हैं लेकिन यूपी के अंदर मथुरा के अंदर गाली हंसी मजाक में भी दारी हंसी मजाक में भी गाली जरूर देते हैं जी वो अब मैं कह के नहीं बता सकती रागनी में ही बता दूंगी कैसी गाली देते हैं वो सुन लो मथुरा वाली बोली बहना तो एक सुनाऊ बात रंडी के कसाई जाने तार लई मोरी जात वाको घर में ध्यान को नियो फिर तो रहे सारी रात वाको घर में ध्यान को ना फिर तो रहे सारी रात वाको घर में ध्यान को ना फिर तो रहे सारी रात मोरी बतिया मानता ना समझ जाके हार लई दारी के कसाई जाने आबरू उतार लई गुरु तलक की आज्ञा लेके चौथी कली विचार लई गुरु तलक की आज्ञा लेके चौथी कली विचार